नमस्कार, मैं मंगल सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल माइक कंप्यूटर क्लासेस में। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास अपन सीखने वाले हैं टेली के बारे में। आज टेली की दूसरी क्लास है। टेली की पहली क्लास में मैंने टेली में अपन कौन कौन से चीज़ें सीखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक सीखने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट मैंने तैयार की थी और वो लिस्ट मैंने आपको बताई थी। टोटल अपन कितने टॉपिक सीखने वाले हैं और कितने प्रैक्टिकल के अंदर अपन टॉपिक करने वाले हैं, वो सारे एक लिस्ट मैंने बताई थी आपको। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं आप और वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज की क्लास अपन देखने वाले हैं, जो पहला टॉपिक जो देखने वाले हैं वो है टेली की डेफिनेशन, टेली की परिभाषा। बहुत सारे टेली पूरा कोर्स सीख लेते हैं, लेकिन उनको बहुत सारों को टेली की डेफिनेशन भी पता नहीं होती है कि टेली की डेफिनेशन होती क्या है, टेली की परिभाषा क्या होती है। टेली सीखने के बाद में टेली का काम करना हो और अपन का इंटरव्यू देना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि टेली की डेफिनेशन क्या होती है, टेली किसे कहते हैं, तो बहुत सारी बता नहीं पाते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले टेली की डेफिनेशन ही बताऊंगा। सबसे पहले अपन देख लेते हैं हिंदी में, फिर उसके बाद में देखेंगे इंग्लिश में देखेंगे इसकी डेफिनेशन। टेली में सबसे पहले अपन देख लेते हैं टेली की जो परिभाषा वो हिंदी में। तो टेली टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लेखांकन संबंधित कार्य व्यवस्थित आसानी से एवं जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो टेली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लेखांकन मतलब अकाउंटिंग संबंधित कार्य व्यवस्थित आसानी से एवं जल्दी से पूरा कर सकते हैं। ये टेली की डेफिनेशन, टेली की परिभाषा जो हिंदी में हो गई। अब टेली की डेफिनेशन अपन इंग्लिश में देख लेते हैं। टेली इज ए सॉफ्टवेयर विच हेल्प अस टू कंप्लीट द अकाउंटिंग रिलेटेड वर्क इन ए सिस्टमेटिक इजी एंड फास्टर वे। तो दोनों में मैंने आपको टेली की डेफिनेशन बता दी, हिंदी में बता दी और इंग्लिश बता दी। जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हो, अगर आप दोनों याद कर लो तो और भी अच्छा है। अब अपन देखते हैं टेली ERP 9 के बारे में। टेली ERP 9 के बारे में अपन दोनों, मैं आपको दोनों कोर्स सिखाने वाला हूँ, टेली ERP 9 भी सिखाऊंगा और टेली प्राइम भी सिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले अपन टेली ERP 9 के बारे में अपन देख लेते हैं। टेली नाइन ERP 9.0 को टेली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। ये एक बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह भारत में सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वित्तीय सॉफ्टवेयर है। तो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त वित्तीय सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो वो टेली ERP 9 है। ERP जो है उसकी फुल फॉर्म देख लेते अपन। ERP की फुल फॉर्म जो है वो है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम टेली की फुल फॉर्म। ये भी अपन को अच्छे से याद होनी चाहिए, टेली की फुल फॉर्म। कहीं अपने से पूछ जाए कि आपने टेली कोर्स सीख तो लिया है लेकिन टेली की फुल फॉर्म क्या होती है, तो अपन टेली की फुल फॉर्म भी अपन को याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सब यहाँ पर अलग अलग वर्ड लिख दिए और इनका यहाँ पर और यहाँ पर पूरा नाम भी लिख दिया। जैसे टी का मतलब होता है टोटल, ए का मतलब होता है अकाउंटिंग, एल का मतलब होता है लीडिंग और एल का मतलब होता है लिस्ट इन और वाई का मतलब होता है ईयर। अगर अपन को एक साथ पढ़ें इसको, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट इन ईयर, ये होते टेली की फुल फॉर्म। आप इनको नोट कर सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो। फिर अपन देखते हैं इसके वर्जन। अभी तक टेली के कितने वर्जन आ चुके हैं और कौन से ईयर में आए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्जन इंग्लिश में, हिंदी में अपन इसको बोलेंगे मॉडल या प्रकार। सबसे पहला जो वर्जन आया था वो है टेली 3.0 और ये आया 1990 में। फिर आया उसके बाद में टेली 3.12, वो आया 1991 में। फिर उसके बाद में जो आया वो है टेली 4 1992 में। फिर टेली 4.5 1994 में, टेली 5.4 1996 में, टेली 6.3 2001, टेली 7.2 2005 में आया, टेली 8.1 2006 में आया, टेली 9 2006 में आया और टेली ERP 9 जो है वो 2009 में आया और टेली प्राइम 2020 में आया। ये टोटल टेली के यहाँ जितने भी सॉफ्टवेयर आए हैं अभी तक, यहाँ जितने भी वर्जन आ चुके हैं इनके टेली के, वो सारे मैंने आपको बता दिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।